स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आरजे रौनक का वीडियो देखने जा रहे हैं, और जो कुछ लोग अतीक अहमद की मौत पर हाई तौबा कर रहे हैं उसी को रोस्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। अरे भाई 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 भाई, ये यूपी में चल क्या रहा है बॉस? अभी अतीक के लौंडे असद के एनकाउंटर पर बने मीम्स की राख भी ठंडी नहीं पड़ी थी कि किसी ने अतीक और उसके भाई अशरफ की कनपट्टी पर गोली मारकर उनको भी जहां से रुखसत कर। बाप रे, जिस तेजी से माफिया डॉन मारे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर की लाइव शूटिंग देख रहे हैं। हालत ये है कि मुख्तार अंसारी जरा 2 मिनट बाथरूम में ज्यादा क्या लगा दे, बाहर से लोग नॉक नॉक करके पूछते हैं कि फ्रेश हो रहे हो या निपट गए। आलम यह है कि लोग गुड्डू मुस्लिम से भी उसका टोकन नंबर पूछ रहे हैं कि भाई तेरा नंबर कौन सा। मगर जिस तरह स्वतंत्रता सेनानी अतीक और उसका मासूम भाई पुलिस हिरासत में मार दिया गया, उस पर तमाम तरीके की बातें हो रही है। कुछ लोग इतने बड़े माफिया की मौत पर बूंदी बांट रहे हैं, तो कुछ इसे कानून व्यवस्था का मजाक बता रहे हैं, तो कुछ लोग कानून व्यवस्था को मजाक बताने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अतीक की पिलाई पर इतनी छाती कूट रहे हैं कि मानो कोई माफिया डॉन नहीं, सहारनपुर में सिंघाड़े बेचने वाला कोई गरीब रेड़ी वाला मान। तो आइए आज के इस स्वतंत्र के वीडियो में हम इसी रुदाली गैंग के सिंघाड़े लगाते हैं। तो शुरू करते हैं इन्हीं छाती कूटों का फन काउंटर। तो दोस्तों, हुआ ये कि शनिवार रात 10:30 बजे का वक्त था, तभी भारत के मशहूर गजल गायक अतीक अहमद और बैले डांसर अशरफ लाइव परफॉर्मेंस देने भारी सुरक्षा के बीच एक ऑडिटोरियम में जा रहे थे। तभी इनकी कला से ईर्ष्या रखने वाले रवांडा घराने के 3 बदमाश पुलिस के सामने ही इनको मार देते हैं। खबर मिलते ही पूरा देश दोनों महान कलाकारों की मौत से सदमे में डूब जाता है। रो रो कर लोगों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि उनकी हंसी ही नहीं रुकती। लोगों का मूड इतना खराब होता है कि उन्हें आधी रात में फार्म हाउस पिज्जा ऑर्डर करना पड़ता है। वो इतने गहरे सदमे में चले जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि पिज्जा के साथ कोक ऑर्डर करना था या पेप्सी। सच पूछे तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों के जाने से इस देश के विज्ञान, खेलकूद, कला, संस्कृति, संस्कृति की बहन बिपाशा और बिपाशा के बॉयफ्रेंड को जो नुकसान पहुंचा है उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे। दोस्तों, मैं ये बातें फिर भी हल्के फुल्के तरीके से कह रहा हूं, मगर कुछ लोग सच में ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कोई बांसुरी वादक मारा गया। मानो एक ऐसे इंसान की हत्या हुई हो जिसकी सारी जिंदगी कबूतर को दाना डालते भी थी, जो बच्चों के बर्थडे पार्टी में जाकर बलून फुलाता। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी की भी मौत का जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए, मगर एक माफिया डॉन की मौत पर इतने आंसू भी तो न बहा दो कि लगे पुलिस फायरिंग में यूनेस्को का कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता मारा गया। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि किसी भी लोकतंत्र में अपराधी को कानून के हिसाब से ही सजा मिलनी चाहिए, मगर यह भी सच है कि जिस आदमी ने सारी जिंदगी कानून का मजाक बनाए रखा, जज भी जिसके सामने भीगी बिल्ली बने घूमते हो, जिसे 40 साल तक किसी एक मामले में भी सजा न हुई हो, जिसने न जाने कितने ही लोगों की हत्या करवाई हो, कितनों की जमीनें हथियाई हो, ऐसा आदमी कैसे भी अपने अंजाम तक पहुंचता है तो लोगों को तसल्ली होती है। अगर आप ऐसे माफिया की मौत पर राहत महसूस कर रहे आम आदमी को कानून का पाठ पढ़ाएंगे तो उसे इस बात का भी हिसाब देना पड़ेगा कि यही कानून उसे इतने सालों तक सजा क्यों नहीं दे पाया। सही, उसे यह भी बताना पड़ेगा कि वो कानून कहाँ गया था जब भाई की हार से गुस्सा होकर अतीक ने राजू पाल पर गोलियां चलवा दी। गोलियां ही नहीं चलवाई, ये अश्योर करने के लिए कि वो बच ना जाए अस्पताल में जाकर उस पर फिर से गोलियां चलाएगी ताकि वो बच ना जाए। अतीक की मौत में कानून की मौत देखने वालों को यह भी बताना होगा कि कैसे इतना बड़ा माफिया 5-5 बार विधायक बन गया। जो इंसान सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है, कैसे वो आदमी देश की संसद में पहुंच जाता है। जिस आदमी ने खुद सारी जिंदगी कानून का पालन नहीं किया, वो खुद सांसद बनकर कानून बनाने वाला बन जाता है। मजाक अतीक की मौत नहीं, मजाक अतीक का अतीत है। मजाक ये है कि एक अपराधी बेखौफ होकर सारी जिंदगी दूसरों की जमीनें हड़पता रहा और कोई उसका कुछ नहीं कर पाया। मैं फिर से दोहराता हूं कि ये सब बातें कोई वजह नहीं हो सकती कि किसी अपराधी को मार या मरवा दिया जाए, मगर ये भी सच है कि जब अतीक जैसे अपराधी इस कानून की खामियों का फायदा उठाकर बार बार बचते रहें तो लोगों का भी उस कानून से भरोसा उठता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रह जाता कि उसका जो हश्र हुआ वो कानून के हिसाब से हुआ या नहीं, उन्हें बस इस बात की तसल्ली होती है कि उसका वो हश्र हुआ जो होना चाहिए। आप कहते हैं कि अतीक पर मुकदमा चलता, उसे कानून के हिसाब से सजा मिलती तो वो ज्यादा अच्छा होता। बेशक हम तो कह ही रहे हैं कि वो अच्छा होता, मगर ये देखते हुए कि इस देश में सालों साल ऐसे मामले आगे बढ़ते ही नहीं है, इस बीच सरकारें बदल जाती हैं, क्या पता यूपी में भी 2-3 साल में सरकार बदल जाती। जिन लोगों के साथ मिलकर अतीक पहले पॉलिटिक्स करता रहा है, अगर वो सत्ता में आ जाते तो क्या गारंटी है कि उस पर चल रहे मुकदमे रातों रात तक रुक नहीं जाते, वो जमानत लेकर बाहर नहीं आ जाता, बाहर आने पर गवाहों को डराने और धमकाने नहीं लगता, फिर से चुनाव लड़कर एमपी एमएलए नहीं बन जाता। और ऐसा होता जो कि होता ही है, तो उससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता।
और आज उसकी मौत पर छाती कूटने वाले, तब क्या ये सोचकर खुद को तसल्ली देते कि क्या हुआ आदरणीय अतीक जी कानून की मम्मी दीदी करके एक बार फिर से बच निकले, कम से कम ये पुण्य आत्मा आज हमारे बीच जीवित तो है, शुक्र है उन्हें मरवाया नहीं गया वरना ये देश एक महान विभूति से हाथ धो बैठता। कम ऑन अबे भूतनी के। और जो मैं कह रहा हूँ ना, ये कोई मजाक नहीं है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी लोग इस देश की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो एक एक बात सच हो सकती थी। इसलिए आज वो अतीक और उसके भाई की मौत पर राहत महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी में चीजें सीधी साधी तब चलती हैं जब सामने वाला भी सीधे साधे तरीके से चले। पर्सनल संबंधों में कोई आपकी इज्जत करेगा तो आप उसकी इज्जत करेंगे, कोई आपको प्यार देगा तो आप भी उसका सम्मान करेंगे। मगर ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई आपके साथ बदमाशी करे, घाघ बने और इतना परेशान करे कि उसका होना ही आपके लिए खतरा बन जाए। जब बात आपकी जिंदगी पर बनाती है ना, तब आपको भी हर हाल में उस आदमी से पिंड छुड़ाना ही होगा। मतलब जिस अपराधी ने सारी जिंदगी पुलिस वाले अपनी जेब में रखे हो, गवाहों को धमकाया हो, जजों को डराया हो, राजनीति को अपनी रखेल बनाकर रखा हो, जो जेल में बैठे बैठे लोगों की हत्याएं करवा देता हो, आपको लगता है कि वो आदमी चुपचाप जेल में बैठकर फांसी पर लटकने का इंतजार करता? और साबरमती जेल में रहते हुए उमेश पाल का मर्डर करवाने के पीछे भी तो उसकी यही सोच थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उमेश पाल की गवाही से न पलटने से उसका खौफ कम हो रहा है। यही सारे रीजन है कि आम आदमी की इस बात में दिलचस्पी ही नहीं है कि अतीक और उसके भाई पर हमला करने वाले कौन थे, उनका मोटिव क्या था। उनके लिए बस एक ही बात मायने रखती है कि जिस आदमी ने 40 साल तक प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में अपना आतंक फैलाया, आखिरकार वो मारा गया। कैसे मारा गया, किसने मारा, ये जानने में आम आदमी का कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर उसे ब्लैक पैंथर ने मारा हो या नोबिता ने, उसे घंटा पर सही बैठे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हत्या करने के बाद उनमें से कुछ लड़के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और इससे कुछ लोग डरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हत्या करके वो एक वर्ग को संदेश देना चाहते हैं। देखिए, पहली बात कि कोई भी धार्मिक नारा क्यों लगा रहा है ये तो लगाने वाले बता सकता है, क्योंकि अतीक के मर्डर के पीछे कोई धार्मिक एंगल तो था ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि इस तरह धार्मिक नारा लगाकर हत्या करने वाले खुद ही धर्म के नाम पर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर मुझे नहीं लगता कि बहुसंख्यक वर्ग में किसी ने भी ऐसे नारेबाजी को पसंद किया। देखिए, मैं इस वीडियो में छठी बार दोहरा रहा हूँ कि कोई भी सभ्य समाज किसी का मर्डर करके उसे सजा देने के तरीके को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मगर हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि ये बात जानने के बावजूद क्यों इतने लोग अतीक के इस हश्र पर खुश हो रहे हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। ये सिस्टम पर तो सवाल खड़े करती है, साथ ही ये भी बताता है कि जब अपराधी अतीक जैसा हो तो लोगों को सिर्फ उसके हश्र से मतलब होता है। वो हश्र कैसे हुआ, किसने किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वीडियो में चलते चलते मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन पंक्तियों को बिना इससे अग्री या डिसअग्री हुए शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों के सेंटीमेंट्स यही हैं। कहते हैं तरीका तो भीष्म को मारने का भी गलत था, तरीका वो भी गलत था जिससे द्रोण को मारा गया, जिससे कर्ण के प्राण लिए गए, जिससे दुर्योधन को मारा गया। तरीका गलत हुआ तो क्या, मरने वाले भी तो गलत थे। एनकाउंटर असली हो या नकली, लादेन का हो या अतीक के बेटे का, उनका हिसाब जरूरी है। पापियों को नीति, नियम, धर्म, मर्यादा, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मानवाधिकार मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही सब कहा है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं कि अतीक और उसके भाई की इस मौत पर आप क्या सोचते हैं। जल्दी मिलते हैं यहाँ पर एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे ख्याल से तो समराइज ये करना चाहिए कि अगर आप यूपी में हैं और अगर आप ऐसे एक्टिविटीज़ जारी रखेंगे तो योगी जी आपको मिट्टी में मिला देंगे, वन वे और द अदर। क्या ये ठीक है, क्या ये नहीं ठीक, वो पहले तो आप ये देखिए कि आप किस टाइप का कर्मा कर रहे हैं। लोग अगर आप बुरे कार्य कर रहे हैं तो पहले आपको बता दिया गया था कि बुरे कार्य छोड़ दीजिए, शांति से जीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं करते तो एक्शन तो होगा, और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि बाय द बुक लॉ लीगली काम सारा करे। अब बीच में अगर कोई आके कुछ इंटरवेंशन कर देता है, ये कर देता है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। उन लोगों पे भी अब कार्रवाई हो रही है कि उन्होंने क्यों किया। मगर ये भी अंडरस्टैंडेबल है कि साधारण जनता कहेगी कि एक जो है बुरे इंसान इस दुनिया से चला गया, तो उनको राहत मिलेगी। बड़े सारे लोग थे जिनकी प्रॉपर्टीज चली गई, जिनकी मतलब बड़ी से बड़ी अट्रॉसिटीज उनके ऊपर हुई हैं, उन सब लोगों को तो लगेगा कि चलो जस्टिस भगवान था, भगवान ने सुनी और बुरा इंसान चला गया। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये रौनक जी ने बहुत ही अच्छी बात की इस वीडियो में, और जो लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मर्डर हो गया या कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, तो वही लोग जब ये अटिक अहमद 40 साल तक इतने सारे जुर्म करता रहा और लोगों को धमका रहा था, मर्डर कर रहा था, तब ये कहाँ गए थे? तब तो इनमें से कोई
आगे आकर ये नहीं बोलता था कि उनको सजा होनी चाहिए, बल्कि जो रीजनल पार्टी है 2-3 वो तो उनको सपोर्ट कर रही थी, उनको टिकट भी दिया और चुनाव जीतवा कर हमारे पार्लियामेंट में भी बिठाया। तो आज वो जब इनका मर्डर हो गया तो छाती पीट रहे हैं। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत।